कौन है बॉलीवुड की हिट मशीन, कौन है वो एक्टर्स जिनसे जिंदा है बॉलीवुड। आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े हिटमैन्स के बारे में, ऐसे एक्टर्स जिनकी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्में हिट हुई और उन्होंने कई दशक बॉलीवुड पर राज भी किया। एक कलाकार को उस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है जब उसकी फिल्में हिट होती हैं। कई बार तो हिट फिल्में देने के लिए एक्टर्स को खूब मेहनत और लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर में बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी और आज भी उनकी हिट फिल्मों का दौर जारी है। आज भी उनकी फिल्में देखने के लिए फैंस थिएटर तक दौड़े दौड़े चले जाते हैं। बॉलीवुड में जब भी किसी सफल एक्टर का नाम लिया जाता है तो उसमें शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों का नाम आता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं उन फिल्मी सितारों के बारे में जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं। सबसे पहले बात करेंगे धर्मेंद्र की। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले एक्टर में सबसे पहला नाम धर्मेंद्र का है, जिन्होंने अपने करियर में 93 हिट फिल्में दी हैं। हाल ही में वो रोकी रानी की प्रेम कहानी में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका निभाई थी। धर्मेंद्र ने अपने करियर में कुल 240 फिल्मों में काम किया है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जितेंद्र की। सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले एक्टर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जितेंद्र का नाम शामिल है, जिन्होंने अपने करियर में कुल 209 फिल्मों में काम किया है और उसमें कुल 69 फिल्में हिट रही हैं। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की बात करें तो बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले कलाकारों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने अब तक कुल 200 फिल्मों में काम किया है और उनमें से 63 फिल्में सुपरहिट रही हैं। अब बताएंगे शाहरुख खान की बॉलीवुड कहानी। दरअसल बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग करियर में कुल 106 फिल्मों में अब तक काम किया है, जिसमें से उन्होंने 61 फिल्में हिट दी हैं। उनकी फिल्म पठान और जवान तो इसी साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म भी साबित हुई है। अब नाम आता है मिथुन चक्रवर्ती का। बता दें कि बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने अपने करियर में कुल 57 हिट फिल्में दी हैं। इसके अलावा दादा ने कुल 268 फिल्मों में काम किया है। अब हम बात करेंगे राजेश खन्ना की। बॉलीवुड के हैंडसम हंक एक्टर में से एक रहे राजेश खन्ना ने कुल 120 फिल्मों में काम किया है और इनमें से उनकी 57 फिल्में सुपरहिट रही हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में अब तक कुल 130 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से उनकी 43 फिल्में हिट रही हैं। और चलते चलते आपको सलमान खान के भी बॉलीवुड करियर की हिट फिल्मों के बारे में बता देते हैं। इस लिस्ट में बजरंगी भाईजान यानी कि सलमान खान का नाम भी शामिल है, जिन्होंने कुल 80 फिल्मों में काम किया और इसमें से 40 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही हैं। तो ये नाम थे उन फिल्मी सितारों के जिन्होंने अपनी कला के दम पर पर्दे पर दर्शकों का भरपूर प्यार पाया और इन्होंने एक दो नहीं बल्कि बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी। और इन फिल्मों की दीवानगी कहीं ना कहीं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग आज भी धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसी फिल्मी सितारों को उनकी हिट फिल्मों के लिए याद करते हैं। अगर आपको भी इन एक्टरों की फिल्में पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़बुक के साथ।